और हरियाणा वालों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं केएस नरवाल आप सभी का आपके अपने परिवार SWN प्रोग्राम का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही मस्त चल होगी। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपका कि सीटी क्या आपका दिसंबर में आपका होगा नहीं होगा, आपका सीटी आपका दिसंबर में होना है कि आपका नहीं होना है, कौन सी कंपनी आपका एग्जाम कराएगी, कितने आपके फॉर्म आपके भरे जा सकते हैं, कब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, इसका पेपर आपका कब तक होगा, कौन सी एजेंसी आपका पेपर कनेक्ट कराएगी आपका, इसके बारे में आपका बिल्कुल हम आपका विस्तृत में आपको जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक होने का, यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। और किसी भी एग्जाम की यदि हम तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे प्ले स्टोर को भी आपका डाउनलोड कर सकते हैं, सक्सेस विद नरवाल, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसका डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए साथियों, सीईटी आपका कब से लागू होगा, कब से आपका लागू नहीं होगा, देखिए पहले आपको पता है इसमें कितने परसेंटेज का था, कितने परसेंट का नहीं था। तो आपको पता है केवल और केवल 5 नंबर का आपका अंक मिले आपके मिलते थे सीटी के, 5 अंक मिलते थे आपको। अब आपका कितने नंबर पर आपका क्वालिफाई होगा, कितने पे नहीं होगा, कि आपके 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, कि आपका 7 गुना होंगे, केवल क्वालिफाई आपका मांगा जाएगा, क्या मांगा जाएगा, इसके बारे में आपका जानेंगे। देखिए साथियों, सीटी आपका कब होगा, तो इस साथियों आपको पता है आपका दिसंबर में आपका सीटी होना, आपका दिसंबर में आपका सीटी होना है, ये तो आपको फिक्स है कि आपका सीटी जो आपका होगा वो दिसंबर में होगा। इसके फॉर्म की बात करते हैं तो आपके फॉर्म जो है आपके, वो आपके फॉर्म जो आपके भरे जाने वो आपके 15 नवंबर से, मान लीजिए फॉर्म भरे जाते हैं 15 नवंबर से, आपको पता है लास्ट नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, तो 15 नवंबर से आपके फॉर्म भरे जाते हैं। और अब की बार आपके कितने फॉर्म भरने की आपकी अपेक्षा है, कितने फॉर्म आपके भरे जा सकते हैं, तो आपको पता है कि राज्य की आपकी वैकेंसी है, काफ़ी बच्चे आपकी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आपका राजस्थान के करेंगे, यूपी करेंगे, यानी काफ़ी अदर डिस्ट्रिक्ट आपके भी इसकी तैयारी करेंगे, और हरियाणा वाले तो आपके सभी कर रहे हैं। पिछली बार आपके 2 लाख के लमसम आपके फॉर्म भरे गए थे, तो 2 लाख के लमसम इतना था कि यानी कि काफ़ी बच्चों को आपका इसका बारे में पता नहीं था, लेकिन अब आपका सभी बच्चों को इसके बारे में पता है, और आपकी पॉलिसी भी इसमें आपका चेंज हो रही है, तो इसमें भी आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा, ध्यान रखना। पॉलिसी भी चेंज है लेकिन पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए फ़ायदा रहेगा, जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं उनके लिए तो कोई फ़ायदा वो नहीं इसमें, लेकिन बात करना ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा मान लीजिए दिल्ली में तैयारी आपका क्या नाम है जॉब कर रहा है, तो दिल्ली में जॉब कर रहा है तो उससे बढ़िया तो उसको मान कि हरियाणा में जॉब करेगा तो उसको फायदा होगा, यानी कि आपका एनवायरनमेंट भी उसको अच्छा मिलेगा, और आपका दिल्ली का अपेक्षा आपका हरियाणा का एनवायरनमेंट सबसे अच्छा आपका, तो ये भी उसको बढ़िया लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, यदि फॉर्म मान लीजिए 15 या 20 दिन यदि फॉर्म भी चले, 15 से मान लीजिए यदि 20 दिन यदि आपके फॉर्म भी चलते हैं, तो भी आपको पता है कम से कम, यदि मैं आपको बता दूँ, कम से कम 15 से 17 लाख तक आपके फॉर्म भरे जाने हैं, क्योंकि 12 लाख आपके पिछली बार थे, अब की बार तो आपके सभी बच्चे आपके फॉर्म भरेंगे, ध्यान रखना। अदर स्टेट में भी आपके की बार इसमें ज़्यादा रुचि आपके दिखा रहे हैं, जो कि यानी कि बगल वाले आपके डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, आपके जो हरियाणा से जो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, जैसे आपका राजस्थान के हैं, जैसे आपका गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, ये काफ़ी आपके डिस्ट्रिक्ट आपके लगते हैं, तो ये आपको इसमें रुचि दिखाएंगे, ध्यान रखना। तो 15 से 17 लाख अब की बार आपके फॉर्म भरे जाने हैं, अच्छा तरीके से तगड़ा इसमें कंपटीशन रहेगा, ध्यान रखना तगड़ा कंपटीशन रहेगा। ऐसा भी हो सकता है यदि आप बढ़िया तरीके से नहीं पढ़े तो आपको दिक्कत होगी, यानी कि डेली आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा, जल्दी ही आपको पता है पेपर होने के चांसेस रहेंगे। पेपर की हम बात करते हैं कि जैसे आपका क्वालिफाइंग आपका कितने होगा, आपको पता है जैसे आपका राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में आपका 60 नंबर पर आपका क्वालिफाई है, यानी कि 60 नंबर जिस जिस बच्चे के आपके आए थे, 100 में से यदि 60 नंबर आपके हैं तो आप मेंस के लिए आपका क्वालिफाई होंगे। लेकिन इसमें हम बात करते हैं यदि 50 नंबर पर यदि क्वालिफाई करते हैं, तो आपको पता है 50 नंबर पर यदि क्वालिफाई करें तो आपको पता है कम से कम 15 से 20 लाख, मैंने बताएं 15 से 17 लाख से फॉर्म भरे जाते हैं, 50 नंबर पे वो क्वालिफाई करता है तो 50 नंबर पे कम से कम आपको 7 से 8 लाख बच्चे आपको देखने को इसमें मिलेंगे, क्योंकि अब जो है बच्चा सभी आपका पढ़ने वाला होता है, बहुत ही कम बच्चा ऐसा मिलता है जो आपको पढ़ने वाला नहीं है, ये भी आपको पता है भाई 7-8 लाख बच्चा ज़्यादा नहीं होता है पढ़ने वाला, कम ही है, क्योंकि आगे आपकी काफ़ी वैकेंसी है आपकी यानी कि रेलवे वगैरह में, तो आपको पता है कितना बच्चा बढ़िया तरीके से पढ़ता है, आपकी मेरिट भी कितनी आई आपकी देखने मिलती है। तो यानी कि 7-8 लाख यदि बच्चा है और 50 नंबर यदि वो क्वालिफाई करता है, 50 नंबर नॉर्मल होते हैं भाई, आपको भी बताया आपका 15 का मैथ है, 10 की रीजनिंग है, तो नॉर्मली आपको निकाल देगा, कोई दिक्कत नहीं 50 नंबर। तो अब बात आती है यदि 50 नंबर पे यदि वो क्वालिफाई करते हैं तो 6-7 लाख बच्चे यानी कि फिर मेंस में बैठेंगे, तो फिर मेंस में समय लगेगा यानी कि सरकार को, तो इसलिए कम बच्चे करने के लिए या तो वो राजस्थान की तरह 60 नंबर कर सकते हैं, या तो वो 60 से 65 नंबर, यानी कि 60 से 65 यदि वो कर दें तो यानी कि मेंस वाले बच्चों के लिए काफ़ी बढ़िया होगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया होगा, कंपटीशन कम होगा। यदि वो ऐसा कर देते हैं कि यदि 10 गुना क्वालिफाई कर देते हैं कि 10 गुना ही हम क्वालिफाई करेंगे केवल और केवल जितने आपके भर्ती आपका उसमें होगा, तो इसमें भी आपका यानी कि फायदा रहेगा, यानी कि जितने बच्चे हैं उसका 10 गुना हो, 7 गुना हो, 10 गुना बढ़िया रहेगा, 10 गुना में आपके यानी कि सभी बच्चे उसमें आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब देखो अभी तक ये भी फिक्स नहीं कि आपका भर्ती कौन सी आपका क्या नाम है एजेंसी अभी कराएगी, भर्ती प्रक्रिया जो अभी करानी है कौन सी एजेंसी अभी करानी है, आपको भी बता भी तो OMR वगैरह भी छपनी है, आपका क्वेश्चन मार्क बनेंगे, तो आपको बताया क्या NTA आपकी कंपनी पेपर कराएगी नहीं कराएगी, जो तो आपको अफवाह की कटेंगे आपको भी पता है, तो NTA आपका क्या नाम है पेपर कनेक्ट कराएगी नहीं कराएगी,
इसके भी अभी तो कोई प्रक्रिया है नहीं, अभी तो क्या नाम है भर्ती बोर्ड को, अभी आयोग को, यानी कि आपका पहले तो कंपनी डिसाइड करनी है, कंपनी डिसाइड करनी है, उसका आपका भर्ती का आपका पूरा प्रोसेस आपका जारी होगा, ये ध्यान रखना। यदि पेपर की हम बात करते हैं, पेपर आपका कब तक आपका हो सकता है, तो पेपर की हम बात करते हैं, एग्जाम जो आपका है ये फिक्स है कि आपका दिसंबर में आपका क्या नाम है आपका सीटी आपका आएगा, दिसंबर में आपका आएगा, तो क्या एग्जाम आपका कब तक हो सकता है, तो दिसंबर का एग्जाम आपका ऐसा हो सकता है कि आपका जनवरी में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, और जनवरी में आपका 15 जनवरी के लमसम आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, ये आपका मेरा अनुमान है, सभी का अलग अलग अनुमान है, ये मेरा अनुमान है। यानी कि अब आपको देखो तैयारी आपको दिसंबर के हिसाब से करनी है, यदि तैयारी आप दिसंबर के हिसाब से करोगे 15 दिन बाद भी यदि पेपर होता है तो आप 60-70 नंबर नहीं आप अच्छे नंबर लेके आओगे, 70-80 नंबर आप नॉर्मली लेके आओगे, ये ध्यान रखना। लेकिन तैयारी आपको अच्छी तरीके से जबरदस्त आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको भी पता है कंपटीशन अच्छी लेवल का है, कोई भी आप एग्जाम दीजिए, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको भी पता है कंपटीशन इस समय बढ़िया लेवल का है, और जो बच्चे सीईटी देंगे बढ़िया लेवल के, यानी कि जो मेंस देने वाले हैं वो आपको बताया जाता है सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं, सीजली कर रहे हैं, सीएचएसली कर रहे हैं, यानी कि इस तरीके आपकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर एमटीसी आपका नाम है एनटीपीसी कर रहे हैं, तो बढ़िया लेवलों की आपकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसमें कंपटीशन आपको अच्छे लेवल का आपको देखने को मिलेगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। यानी कि यदि आपको मेंस देना है तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी होगी, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, जहाँ आपका हरियाणा जीके हो, जहाँ आपका मैथ हो, जहाँ आपका रीजनिंग हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, अच्छे तरीके से प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको कोर सब्जेक्ट के रूप में आपको लेके चलना पड़ेगा, जिससे यानी कि हर सब्जेक्ट में आपको यदि महारत हासिल है तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है, ये भाई ये तो प्री है, लेकिन आपका मेंस में भी आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है, ये बात भी ध्यान रखना। तो मैंने आपको ये बताया है आपका फॉर्म भरने का आपका, यानी कि मान लीजिए 15 नवंबर से आपका लास्ट नवंबर तक यदि आपके फॉर्म चलते हैं तो कम से कम आपके 15 से 17 लाख कम से कम आपके फॉर्म भरे जाने हैं, ये बात ध्यान रखना। ऐसा होगा मेरा मानना है कि आपका 60 नंबर राजस्थान की तरफ आप क्वालिफाई कर दें या फिर आपका 10 गुना क्वालिफाई कर दें, दोनों ही बढ़िया है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, 60-65 हो जाए आपका 10 गुना हो, यानी कि आपका 7-8 लाख बच्चे 50 नंबर पर क्वालिफाई होंगे तो आपकी ज्यादा संख्या बनेगी, तो इसमें आपको दिक्कत आएंगे, जब सभी बच्चे ही मेंस देंगे तो फिर फायदा क्या होगा, ठीक साथियों। तो आपका सीटी मैंने आपको बताया दिसंबर में होना, आपको ये भी बता आपका क्वालिफाई हुआ, ये आपको मैंने बता दिया 50 नंबर 60 नंबर कितने फॉर्म आपके कब से भरे जाने हैं, तो ये आपका इसमें आपका डेट थी। पर एक बात आपका लास्ट कहना है कि आपका बढ़िया तरीके से बढ़िया, यदि कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, आपको भी बताया हमारा संस्थान आपका मैथ और रीजनिंग के लिए आपका जाना जाता है, तो मैथ और रीजनिंग का भी कोर्स आप परचेज कर सकते हो मात्र और मात्र आपका 51 रुपये में, यानी कि आपका क्या नाम है ऑफलाइन बैच मिलेगा, ये आपको ऑफलाइन तो आपका ऑनलाइन रहेगा, ये आपका मात्र और मात्र 51 रुपये में आप इसकी तैयारी कर सकते हो मैथ और रीजनिंग के बढ़िया तरीके से, कोर्स सब्जेक्ट आपको यदि बनाना है तो मैथ और रीजनिंग, ऐसा नहीं कि इसी में मेंस में भी वो आपके अप्लाई रहेंगे, ये रखना वैलिडिटी उसकी 1 साल की रहेगी, मैथ की अलग रहेगी, आपका रीजनिंग अलग रहेगी, यदि ज़्यादा लंबा सिलेबस होता है तो आपको उसको वैलिडिटी आपका बढ़ाएंगे भी, मात्र 51 रुपये में आपको कोर्स मिलने वाला है, तो अभी आप उसको परचेज कर सकते हैं कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं सक्सेस बेनरवाल। चलिए साथियों इससे आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय।